है कि बिंदुओं एक माइनस एक दो, तीन चार माइनस दो से होकर जाने वाली जो रेखा है वो जीरो तीन दो और तीन पाँच छः से होकर जाने वाली रेखा है क्या है, लंबवत। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अपन इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के क्या निकाल लेंगे, दिक अनुपात निकाल लीजिए। दिक अनुपात इनके नाम अपन रखेंगे ए वन बी वन सी वन। पहले ये बिंदु तीन चार माइनस 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 वन प्लस वन टू नहीं आया, प्लस वन समझ आया, प्लस वन दो छः माइनस चार कहाँ पे, सॉरी। अब बिंदुओं जीरो तीन दो तीन पाँच छः से होकर जाने वाली रेखा के दिक अनुपात ए टू बी टू सी टू तीन पाँच छः तीन दो चार, समझ आया। बस अब हम एक आखिरी चीज निकाल लेंगे क्या, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन, इसका मान निकाल लेंगे अपन दो पाँच चार, दो पाँच माइनस चार, फिर तीन दो चार, तीन दो चार, दो तीन छः, पाँच दूनी दस, चार चौके सोलह, जीरो, अतः सिद्ध होता है। बच्चों अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि बिंदुओं चार सात आठ और दो तीन चार को से होकर जाने वाली रेखा, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा ये क्या है, समान। तो समानता ऊंचाई लंबवत दिक अनुपात तो निकालने ही पड़ेंगे। पहले इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के दिक अनुपात निकालते हैं। कोई बिंदु पहले बाद में लिख सकते पर अपन यही लिख रहे हैं, दो तीन चार माइनस 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 चार सात आठ माइनस दो माइनस चार माइनस चार। अब यहाँ देखेंगे पहले ये बिंदु एक दो पाँच माइनस 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 प्लस एक प्लस दो माइनस एक दो चार चार। अब हम यहाँ पर निकालेंगे ए वन बटे ए टू आराम से बेटा, पहले ही बराबर भी बैठे, इसलिए तो कराया है क्वेश्चन, ये गलत करके बच्चे सही सोचते हैं। चलिए ए वन बटे ए टू निकालिए, माइनस दो बटे दो कितना आ गया माइनस। अब निकालेंगे बी वन बटे बी टू, माइनस चार बटे चार माइनस। अब निकालेंगे माइनस चार बटे चार कितना आ गया, सारी ए वन बटे ए टू भी माइनस वन, बी वन बटे बी टू भी माइनस वन, और अतः ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर, अतः सिद्ध होता है कि दी गई रेखा परस्पर। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ये तीन रेखाओं के दिक कोसाइन और दिक कोज्याएँ दी हैं, ये है आपका एल वन एम वन सॉरी एन वन, ये आपका है एल टू एम टू और ये आपका है एल थ्री एम थ्री। ओके अब हमें सिद्ध करना है कि तीनों रेखाएं परस्पर क्या हैं, लंबवत। तो सबसे पहले अपन पहली और दूसरी रेखा मतलब L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 का क्या निकालेंगे मान, 12 बटे 13 चार बटे 13 बोलना तो पड़ेगा यार, 12 बटे माइनस चार बटे, सही है ध्यान से देख, हाँ हाँ 12 चौके 48, 13 13 में 169, 36 169, 12 169, लघुत्तम क्या आ गया 48 माइनस 36 माइनस 12 ये हो गया 0 बटे 100 कितना आ गया 0। अतः रेखा एक और रेखा दो परस्पर क्या है, लंबवत। ऐसे दो और तीन और तीन और एक। दोस्तों अगला सवाल समझने से पहले आपको एक कुछ कंसेप्ट थोड़े से रिवाइज करने पड़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, ये दोनों अनुपात क्या होते हैं, छः बटे नौ
ये भी वही आएगा, आएगा तो ये तीनों अनुपात बराबर है। अब अगर आप इसके इक्वल में इनके स्क्वायर्स, दो स्क्वायर, चार स्क्वायर, छः स्क्वायर, तीन स्क्वायर, छः स्क्वायर, नौ स्क्वायर, इनका अनुपात निकालें तो वो भी बराबर ही आता है। ये बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी है जब हम तीन चर वाले समीकरण सॉल्व करते हैं बज्जुवान खंड विधि से, तो चेक कर लें एक बार होता भी है कि नहीं। रोहित, दो दूनी चार, सोलह, छत्तीस, एक को बच्चा जल्दी मेरे करने से पहले जोड़ के दिखा दे, नौ, छत्तीस, इक्यासी, छत्तीस और चार चालीस और सोलह हाँ छप्पन, हाँ एक सौ छब्बीस। काटो रोहित, तुमको दो से काट लो, दो दूनी चार, दो अट्ठे सोलह, बातें कर रहे हो बेटा, हाँ तिरसठ। आप काय से कैसे कट रहे हैं, सात से, सात चौके सात, नाम चार का वर्गमूल दो, नौ का वर्गमूल तीन। समझ में आ गया, तो ये किसी के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमारी चाहिए हुई। तो अपन क्या करने वाले, अपन करने वाले क्या हैं कि आपको एक, जैसे मान लीजिए कोई रेखा निकाली, ऐसी रेखा निकालिए जो उन रेखाओं के लंबवत है जिनके दिक अनुपात एक दो तीन और दो एक माइनस तीन है, इन दोनों की लंबवत रेखा चाहिए। तो माना इन दोनों के लंबवत रेखा की दिक कोज्याएं क्या हैं, एल एम एल। अब अगर ये लंबवत हैं तो वन इंटू एल, टू इंटू एम, प्लस थ्री इंटू एन बराबर जीरो, लंबवत की शर्त है ए वन ए टू बी वन बी टू, और टू इंटू एल प्लस एम माइनस थ्री। काफ़ी लोग सर ये दिक्कत जाए, ये दिक अनुपात, बेटे चिंता क्यों कर रहा, अगर बटे में आठ होगा अभी तो आरोप गुणा करने को जीरो गुस्तर चला जाएगा, समझ गए ना। चलिए क्लियर हुआ बेटा, ऐसा नहीं कि आपको दिक्कत जाए निकालनी, पहले फिर लंबवत की शर्त लगानी। अब अपन इन दोनों को बज्जुवान खंड विधि से क्या करेंगे, हल। अब बज्जुवान खंड विधि का कई लोगों को सूत्र भी याद होता है, कई लोगों को ट्रिक भी पता होती है। सूत्र याद है, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, याद है बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, और ए वन बी टू माइनस ए टू, याद है। कुछ लोगों को ये ट्रिक से याद होगा, एक ट्रिक होती है बी सी माइनस बी सी, सी ए माइनस सी ए, ए बी माइनस ए बी, बारह इक्कीस, बारह इक्कीस, कुल मिला के सूत्र याद होना चाहिए। नहीं है तो अभिषेक सर ने अभी ट्वेल्थ में बताया है, एक दो तीन, दो एक तीन और फिर एक दो, वर्तिका माइनस छ माइनस तीन, थके नहीं बिल्कुल, तीन दूनी छ प्लस तीन, एक एक कम एक, दो दूनी सही है। चलिए यहाँ पे गौर कीजिए, माइनस नौ, नौ सही है वर्तिका। अब बेटा आप सब में अनुपातिक वो कर दीजिए, तो माइनस तीन, तीन और माइनस एक, तो इससे क्या है कि दिक्कत जाए नहीं आई, दिक्कत जाए तब आएगी जब आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, अगर ये तीनों अनुपात बराबर हैं तो इनके स्क्वेयर्स के अंडर रूट भी के उसी अनुपात के बराबर होंगे। तीन त्रिका नौ, तीन त्रिका नौ, एक एक कम एक, हम जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, एक होता है रोहित, तो नौ नौ एक कितना आ जाएगा रोहित, एल बटे माइनस तीन, एम बटे तीन, एन बटे माइनस एक, एक बटे नौ नौ अठारह और एक उन्नीस। एल का मान बता दीजिए, एल बराबर माइनस तीन बटे करणी उनतीस, एम बराबर तीन बटे करणी उनतीस उन्नीस, और एन बराबर माइनस एक बटे करणी उन्नीस। सबको समझ में आया बेटा, नहीं आया, अतः वह रेखा जो इन दोनों के लंबवत उसकी दिक कोज जाए हैं माइनस तीन बटे करणी उन्नीस, तीन बटे करणी उन्नीस और एक बटे करणी। समझ में आया, प्रॉपर क्वेश्चन अपन कर रहे हैं जिसमें आपको क्वेश्चन में ये लिखा है कि रेखा के दिक कोज जाए इनकी समानुपाती है, और रेखा की दिक कोज जाए इनकी समानुपाती होती वो क्या कहलाते हैं, दिक अनुपात। तो यहाँ पहले रेखा के दिक अनुपात हैं एक दो तीन और दूसरी के हैं पाँच माइनस दो और सात। अब माना इन दोनों रेखाओं, इन दोनों रेखाओं की लंबवत रेखा की
दिक् कोज्जियाएं, कौन बोलेगा रोहित? एल एम एन है, तब शर्त लगेगी बेटा ए वन एल प्लस बी वन एम प्लस सी वन एन बराबर जीरो। नहीं आ रही बात समझ? पक्का ही वैसे लिखना नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि अपन को इतना टाइम नहीं रहता। क्या आ जाएगा वर्तिका बेटा? वन इंटू एल, टू इंटू एम, थ्री इंटू एन बराबर जीरो, फाइव इंटू एल बोलते जाओ टू एम, सेवन एन बराबर जीरो। समीकरण एक, समीकरण दो, मतलब अब इन दोनों का ऐसे हल कर लेंगे, बाजूकंड बनती है। चलो ये सवाल एनसीईआरटी में है, इसमें लिखा है कि दो परस्पर लंब रेखाओं की दिक् कोसाइन L1 M1 N1 L2 M2 N2, मतलब इस बार जो दो रेखाएं दी हैं वो खुद ही परस्पर क्या है, और दिखाना है कि इन दोनों रेखाओं की लंबवत रेखा के, सही पूरा नहीं लिखा मैं लिखवाऊंगा, इन दोनों रेखा के लंबवत रेखा के दिक् कोसाइन जो आपके सामने लिखे हैं वो हैं। समझ गए? तो सबसे पहले आपको हल में अपन वही लिखेंगे, दिया है पहली रेखा की दिक् कोज्जियाएं L1 M1 N1, दूसरी रेखा की दिक् कोज्जियाएं L2 M2। अब बच्चे बोलेंगे सर उसमें देखानुपात दिया था, आप इसकी टेंशन ना लो, देखानुपात दिक् कोज्जियाएं लंबवत की सर दोनों में चलेगी। माना रेखा एक और रेखा दो के लंबवत रेखा की दिक् कोज्जियाएं, अतः L1 L M1 N N1 N, अब तो डर गए, L2 L M2 M N2 N बराबर जीरो। ये ज्यादा सरल है, अब इन दोनों का ऐसे हल कर लेंगे। अब बच्चों जिसको ये सूत्र नहीं आता, एम जैसे बी सी माइनस बी सी होता है वैसे एम वन एन टू एम टू एन वन एन वन एल टू एन टू एल वन और एल वन है, आता है yes, और रोहित इसके बराबर में वही अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस और नीचे जो लिखे उनका स्क्वायर। समझ में आया yes, आज के दिन के लिए मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो है ये साइन थीटा का सूत्र होता है। काय का सूत्र होता है? याद आया? यस सर। और ये नहीं याद आया तो ये सवाल फिर नहीं होगा। ये याद नहीं आया रोहित तो ये सवाल नहीं होगा। बस बात खत्म। प्रश्नानुसार पहली रेखा दूसरी रेखा परस्पर क्या है? लंबवत। अतः इनके बीच कोण थीटा बराबर जीरो, तो साइन थीटा बराबर साइन नब्बे बराबर एक। लीजिए मान निकाल लीजिए रोहित, एक आ गया, एल का मान क्या आ गया? एम वन एम टू माइनस एम टू एन वन, एम बराबर एन वन एल टू माइनस, गुणा हो जाएगा त्रिक गुणा, और इसका भी क्या आ गया? समझ में आया? सिद्ध हो गया कि जो दो रेखाएं उनकी लंबवत रेखाओं की दिक् कोज्जियाएं ये है। नहीं आया समझ? आ गया। बहुत कठिन लगा कि नहीं लगा? इस प्रश्नावली का आखिरी टाइप, ठीक है, इसमें बिंदु दिए हैं ए बी सी, क्या दिए हैं? और आपसे बोला है कि सिद्ध करो ये बिंदु क्या है? संरेखे। तो संरेख सिद्ध करना तो वैसा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, पर यहाँ थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान जरूर दीजिएगा ताकि आपको अच्छा लगे पढ़ने में। आपको कोई भी दो, या तो ए बी ए सी, कोई भी दो के दिक् अनुपात निकालने, स्ट्रेस फ्री हो के कोई के भी निकाल लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ ए बी के दिक् अनुपात। किसके निकाल रहा हूँ? तो क्या आएगा? सॉरी, ए बी के दिक् अनुपात। काफ़ी दिमाग खराब क्वेश्चन है ये, यहाँ पे बस और कहीं खास नहीं है। ए बी के दिक् अनुपात निकालिए, माइनस टू वन, माइनस टू रोहित, माइनस तीन, माइनस पाँच, हाँ चलिए। फिर आप निकाल लीजिए ए सी के दिक् अनुपात, क्या निकाल लीजिए रोहित? ए टू बी टू सी टू, पाँच आठ सात, दो तीन, सही है। अब आप निकालिए ए वन बटे ए टू, बी वन बटे बी टू और सी वन बटे सी टू, माइनस तीन बटे तीन, माइनस पाँच बटे पाँच, माइनस तीन बटे तीन। अरे वाह, ये तो देखा है सवाल, सही है। स्पष्ट है कि ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर, अतः ए बी समांतर ए सी, सही है। अरे सर समांतर सिद्ध नहीं करना है, लेकिन नहीं नहीं रुक जाओ, सदिश नहीं चल रहा है। तो ए बी समांतर क्या आ गया? ए सी, पक्की बात हो गई। अब आप मेरी बात समझिए, इसको चित्र बनाइए, ये है आपका ए बी, ओके,
और ये है आपका ए सी। लग रहा है समांतर? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ए बिंदु यहाँ भी हो और ए बिंदु यहाँ भी हो? एक बिंदु तो एक ही जगह होगा, तो मतलब इसको खिसक के कहाँ आना पड़ेगा? ऊपर। और अगर ये ऊपर आए तो सी बी सी लाइन में आ जाएगा, समझ रहे हो? परंतु बिंदु ए उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ। अतः सिद्ध होता है कि बिंदु ए बी सी क्या है? संरेख। नहीं आई मेरी ये बात समझ में? आई जो मैंने कही मना ये डायलॉग रट लेते लोग, परंतु बिंदु उभयनिष्ठ है अतः सिद्ध होता है कि बिंदु ए बी सी क्या है? संरेख। आप ए बी बी सी भी लोगे, सुन रहे हो? ए बी और बी सी लोगे तो भी सही आंसर ही आएगा। ए बी और ए सी लेने कोई आवश्यकता नहीं। आप बी ए सी सी ए टी बी जो चाहे ले लो, कछु फर्क नहीं पड़ा। तो समांतर माने तो एक लाइन में आ गए, माने बात खत्म। समझे?